क्या तेरी माँ पूजन करने के लिए गई है वो अभी वापस नहीं आई है? नहीं दादी माँ, नहीं आया है। क्या महल में देखी है? हाँ सब रोज। हे भगवान, ये मेरे बहुत सोना, ये पूजा करने के लिए गई है जो अभी तक वापस नहीं आई है। हाँ दादी देखे। महल में भी देख लिया है? हाँ। तो गई तो कहाँ गई? एक काम करो, सुन लो, बंगली पर, और पिता तुम्हारे चाचा है, जाके कहना है कि मेरी माँ
महल में नहीं है, जाओ। ठीक है दादी जी, जा रहे हैं। ठीक है बस, सक जाओ पोते। द्वारपाल इस समय देखो तो कौन है? इंदल, क्या बात है बेटा, तुम्हारे आंखों में आंसू, तुम्हें कोई बात कहा है? हाँ चाचा जी। क्या बात है सुनाओ। बेटा इंदल, पिताजी, ये तुम्हें नैन से आंसू क्यों बह रहा, क्या बात है? सुनिए, तुम्हें कहना है कि चचा जी और पिताजी
रंग महल में माँ नहीं है। बेटा मैं जानता हूँ तुम्हारे माँ नित दिन त्योहार मनाने के लिए पूजा पाठ करने के लिए सातखंड महल में ही जाती है। सातखंड महल में जाके देखा है? हाँ चाचा जी। नहीं है माँ। क्या सातखंड में भी नहीं है? भैया सरदार जी कहीं नहीं आ रहा है। आज लोहावा जदी रगे ले भाई जी, जिसका घर में प्रतिष्ठा नहीं तो हम लोग जी करके रात में क्या करेंगे। आहो बेरी बेरी माना हो भाई मां पहली हो राज महवा में भाई रुदल, तुम्हें राज महाव्या में मैंने बारंबार मना किया कि मेरे रानी सोना को कहीं नहीं ले जाओ, नहीं ले जाओ।
लेकिन ले जाने का प्रक्रिया तुमने देख लिया। सरदार जी मैं सोच रहा हूँ कि अगर राज नैना घर में भी भाभी जाती तो बेटा इंद्र को साथ लेकर के जाती, लेकिन गई तो कहाँ गई। भाई देवा एक काम करो, द्वारपाल के बुलाओ, मैं द्वारपाल से कुछ बातों करने के लिए चाहता हूँ। बहादुर तुम एक काम करो, जिस समय में राज नैना घर में आला सरदार जी को साथ रानी सोनमा को साथ विवाह हुआ था तो राजा नेपाली सिंह जोगा भोगा पिताजी का समय में उसको खोंसा में एक गिद्धिन दान में मिला था। अच्छा। वह गिद्धिन दान बुआ रहती थी, लेकिन जब से जवान हो गई सियान हो गई तो एक दिन बोली कि महारानी हमें आदेश दीजिए कि मैं जाकर के हिमालय पहाड़ पर रहूंगा। उसे इजाजत दिया गया और जाकर के हिमालय पहाड़ पर रहता है। तो जाओ बहादुर बुला करके लेके आओ। आए मालिक एगो बात कहियो जे, आए वो कहियो कहूँ जेबे ना करालखिन, कहूँ जालखिन तो कोई से कहीं के जालखिन। आए जे द्वारपाल, राज महाब्या से मेरे रानी बिना पूछले कहीं पर ही देख नहीं निकाली थी। हमरा कुछ गड़बड़ लगा कहे मालिक कि केकरो लेकर निकाल कर खोजे। चलो जाओ जो कहा हूँ जो बात को माना, जाओ जल्दी। चल हमारे मालिक बोले रखू, चल चल चल। लीजिए महाराज। खुशी रहो गिद्धिन, मैं तुझे इसीलिए बुलाया हूँ कि तेरे जात का पंछी है, आकाश माप से तो चलती है। मैं एक बात बोलता हूँ, ध्यान लगा के सुनो। तुम्हारा ही काम है, अगर पता लग जाएगी भाभी सोना जिस राज में रहेगी तो तुम आकाश मार से चलती हो, खबर डायरेक्ट यहाँ पहुंचाओ। अगर पता लगा के पहुंच जाएगी तो मैं क्या तुझे करूंगा, सुन लो। सोनो के मोतिया
पता लगा देगी तो मैं वचन देता हूँ कि राजबाबा में तुम्हें मैं सोने का मैं चोच बनवा दूंगा। जाओ। नमस्ते प्रणाम, मैं सिंगर हेमा कुमारी। अगर आप चाहते हैं कि जियो बोका म्यूजिक का वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। धन्यवाद।